नमस्ते, मैं हूँ मेनका पात्रा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को फिर से दिल से स्वागत है। तो कैसे आप सब, आशा करते हो बाबा नीलकंठ महेश जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो चलो गाइस, आज का छोटा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ तालाब की साइड में। यहाँ पे हम लोग बछड़े और गायों को बांध के रखते हैं, खाना देते हैं, और मैं लाली को बुला रही हूँ। तो इसने दोनों कान खड़ा करके ऐसे सुन रही है मेरी आवाज़। आई थिंक इसने मुझे देख लिया, इसलिए तो ये बार बार पलके झपका रही है। तो चलो चलते हैं लाली के तरफ, देखो कैसे देख रही है मुझे। पता है जब ये छोटी थी ना, जब मैं इसके पास जाती थी हाथ से लाने के लिए, मेरे कंधों के ऊपर ही आ जाती थी। इस चाहती थी कि मैं उसको गोद में ले लूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाती थी क्योंकि इसके हाथ पैर लगने से डर से अगर मैंने इसको नीचे गिरा दिया तो इसको लग सकती थी, तो इसलिए मैं नहीं लेती थी गोद में इसको। और ऐसे सहलाने से इसको अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सहला देती हूँ। ये हमारे नारियल का पेड़ है जो है तालाब के साइड में, और इस साइड में है हिडमिजा जो भी मैं लेके जाऊंगी। ये है हिडमिजा साग, इसका रस निकाल के खाने से गंदा खून साफ हो जाता है। जिनको भी खुजली होता है इसका रस निकाल के खाओ, खुजली नहीं होगा। तो मैंने इतना सा हिडमिजा साग ले लिया है। इसके साइड में है इलाज का पौधा और एलोवेरा जो सोना चाचा ने लगाए हैं, और इस साइड में है सोना चाचा के घर के बकरी और बकरी के बच्चे। और मैंने साग को अच्छे से तालाब के पानी में धो लिया, अभी मैं अच्छे पानी से धोऊंगी। अब मैं इसका पकोड़ा बनाऊंगी। दादाजी गुस्से में लग रहे हैं, इनको किसी ने गुस्सा दिला दिया है। तो अभी मैं तालाब के साइड में बैठी हूँ, यहाँ पे बैठ के पकोड़ा खाऊंगी। ये मैं पकोड़ा बना के लेके आई हूँ का बैगन का, और वो जो साग लाई थी हिलमिचा, वो साग पकोड़ा बना के लेके आई हूँ। और ये साइड में है केचप, चलो खाते हैं। तो ये वाला पकोड़ा है जो मैंने थोड़ा जला दिया, ये थोड़ा जल गया लेकिन खाने के लायक है, ज़्यादा नहीं जला। तो चलो खाते हैं। ये छोटा वाला प्याज है, उसका पकोड़ा मैंने बनाया है, ये एक बार में ही चला जाएगा। हम ये है बैगन पकोड़ा, हमारे यहाँ पे बैगुनी बोलते हैं इसको। तो मैं पकोड़ा खाने के बाद अभी थोड़ा खिचड़ी खाऊंगी। ये दादी लेके आए हैं खिचड़ी आंगनवाड़ी स्कूल से, तो ये थोड़ा खाऊंगी खिचड़ी। और साथ में मैंने वो जो पकोड़ा फ्राई किया था वो है, और बैगन फ्राई किया था ऐसे, और आलू फ्राई किया था। तो चलो खा लेते हैं। भाई दुकान गया था और मेरे लिए पल्स लेके आया है टॉफ़ी। चलो मैं पल्स टॉफ़ी खा लेती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन के पास घंटी वाला आइकन क्लिक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यह है सूखा हुआ बेर, यानी कि सुकनोकुल, बंगाल में सुकनोकुल बोलते हैं। तो सुनीता लेके आई थी मेरे लिए, अचार बनाएंगे हम लोग। माँ किचन में खाना बना रहे हैं।